होगा तो पूरे गांव का विकास होगा। एक गांव, बिहार एक गांव मानिए, बिहार के अंदर आपको कई गांव हैं। है उस विज्ञान, वह विज्ञान आपको कहता है जब समाज में चार व्यक्ति रहते हैं, चार व्यक्ति रहते हैं, चार हैं, उसको होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं। और दूसरी बात आनंद जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हिंदुस्तान को, यूथ एम्पावरमेंट कहां है, हमारा युवा कहां है, भूल गया, हम किसको वोट दे रहे हैं, किस लाएंगे। जबकि वह हमारे समाज के विकास का मेरुदंड है। बिना शिक्षा के विकास के कोई भी देश विकसित नहीं हो पाया है। हमारे यहां देख लीजिए, हम लोगों ने, हमें भी पढ़ाओ का केंद्र शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, हमारे महाराज जी ने गरीब बच्चों कि तमिलनाडु में चले जाइए, वहां मिस्टर प्रभाकरण हो जाएंगे, कहीं कोई अन्य नेता, कोई अन्य नेता हो जाएंगे, हम किसको माने, किसको माने।
गुजरात राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि, और यह आज के दिन में कसक रहा है, विकास नहीं है, विकास उस पर आना चाहिए। सबसे है देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, और बच्चों को एक मूलभूत जो शिक्षा है, जो आज हम जिस शिक्षा की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों इस बात बॉल पर अरे वो मोदी जी 15 लाख भेजने वाले नहीं थे, वही देख रहे हैं। अरे वो सब चुनावी जुमला था। हाँ आए टोलते हैं हम खबरों पर, चाहे कोई कुछ भी कहे, पड़ोसियों पुलिस और पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के बरेली जिले में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, लोगों की
जिनसे दो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन, ठेले में प्याज और दाल रखकर केंद्र सरकार के अच्छे दिन की दी दुहाई। खबरों की तब हो गई जब बीच बचाव करने पुलिस पहुंची और पुलिस ने झगड़े में शामिल एक व्यक्ति की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने उसके शव को और को मतलब कैसा काम रुकवाने के लिए क्या है आपके पास में? उन्होंने मेरे पापा